हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि 69th बीपीएससी का जिन्होंने फॉर्म भरा था तो उनके लिए एक द्वार खुला है 4 अक्टूबर से, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवाया था वो कुछ चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को एडिट कराना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर पत्र भेजना पड़ेगा बीपीएससी में, वो वहाँ से वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही एडिट होगा, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एडिट नहीं हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या एडिट हो सकता है। पहले तो है आरक्षण कोटी, कि आपने जो रिजर्वेशन लिया है उसका जो प्रमाण पत्र है उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी एडिट करना है वो हो सकता है। फिर पत्राचार का पता, यानी आपका जो जो परमानेंट एड्रेस होगा पत्राचार का पता है वो आप कर सकते हैं एडिट। सरकार में अगर आप काम करते हैं बिहार सरकार में उसके रिलेटेड आपको कुछ भी विवरण देना है तो उससे संबंधित जितने भी प्रमाण पत्र हैं उसको आप एडिट कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर बदल चुका होगा तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस अगर बदल चुका है उसको आप एडिट कर सकते हैं। तो ये सब तो एडिटेबल है। अब कुछ ऐसे हैं जिसके लिए आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे तभी वो एडिट किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड कोई नाती नतनी पोता पोती है दावा कर रहे हैं और पहले आपने उसको मेंशन नहीं किया था तो उससे रिलेटेड जो भी पत्र है प्रमाण पत्र है उसको आपको आयोग के द्वारा वेरीफाई कराना पड़ेगा। दिव्यांग कोटी से संबंधित अगर आपको कुछ भी उसमें मेंशन करना है तो कोई भी चेंज करना है वो आपको करवाना पड़ेगा वहां से। उम्र सीमा में छूट अगर आप चाहते हैं क्योंकि आप सैनिक सेवा में से संबंधित कुछ अपना प्रमाण देना चाह रहे हैं तो वहाँ पे फिर आपको उसको पहले वेरीफाई कराना है। आधार नंबर बदल नहीं सकता है, अगर बदल गया है किसी का तो उसको भी आपको यहाँ पर करवाना पड़ेगा, वहाँ से प्रमाण पत्र करवाना पड़ेगा। क्या नहीं हो सकता है एडिट? नाम नहीं हो सकता है, पिता का नाम नहीं हो सकता है, आपका लिंग नहीं हो सकता है, जन्म तिथि एडिट नहीं हो सकता है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं हो सकता है, जो स्थाई आपका जो एड्रेस है वो भी एडिट नहीं हो सकता है। ठीक है, पत्राचार हो सकता है। पत्राचार यानी कि जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है जो अभी बदलते रहता है, लोग किराए पर रहते हैं इधर उधर जाते हैं तो वो एडिट हो सकता है, लेकिन स्थाई पता एडिट नहीं हो सकता है। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा कि जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन 69th पे जिन्होंने करवाया था वो फिर से फॉर्म भरने के लिए क्या क्या करें। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं फोटो बड़ा क्लियर डालिएगा, चश्मा भी नहीं होना चाहिए फोटो में, इस बात को ध्यान रखिएगा वरना एडमिट कार्ड नहीं आएगा। कुछ भी गलती होता है तो जो अभ्यर्थी हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। इसी तरह से जितने भी अपडेट हैं उसके लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ बीपीएससी उत्कर्ष पर।